नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल हमारे YouTube चैनल ड्रैगो स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, आपको पता है कि रोज की रोज कोई ना कोई नई भर्ती का नोटिस जो हरियाणा सरकार की ओर से जारी कर दिया जाता है, तो आज भी एक नई भर्ती का नोटिस आया जिसमें कि जेई की यहाँ पर वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर की। तो उसके जो फॉर्म है यहाँ पर आप जो है 20 जून से यहाँ पर फॉर्म भरने शुरू कर सकते हैं और 4 जुलाई तक फॉर्म भर पाएंगे और 8 जुलाई तक इसकी जो है ऑनलाइन पेमेंट भी जो कर पाएंगे फीस। ठीक है, तो यहाँ पर 1624 जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हैं, तो इनमें जो यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रेड है अलग अलग जो, तो उनके हिसाब से जो यहाँ वैकेंसीज आई है अलग अलग तरह की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जूनियर इंजीनियर सिविल है उनकी 617 वैकेंसीज हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके जो वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगे गए, तो यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया सिविल इंजीनियरिंग में या फिर बीटेक जो है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, या इसके बाद देखिए एज यहाँ पर 17 से 42 साल है और जो यहाँ पर स्केल भी आप यहाँ पर सैलरी का देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सैलरी का स्केल भी इसमें दिया गया है। तो 35 पोस्ट यहाँ पर जूनियर इंजीनियर मैकेनिक की हैं और इसके भी लिए यही क्वालिफिकेशन इस तरह की ही रहेगी। ठीक है, और इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी 34 हैं और इसके बाद यहाँ पर देखिए कि जूनियर इंजीनियर सिविल, ठीक है, यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी 27 पोस्ट इसकी यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो इसमें जो है डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियर का, ठीक है, वो 17 से 42 साल की एज और 9300 से 34800 रुपये का सैलरी स्केल। और इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो 53 पोस्ट जो है इसमें दिखाई गई हैं, तो इसका भी डिप्लोमा जो मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट से और 18 से 42 साल की एज 9300 से 34800 का इसका सैलरी स्केल। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर 9 पोस्ट यहाँ पर और दिखाई गई हैं इसकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की और यहाँ पर भी इसमें भी जो डिप्लोमा मांगा गया है 6 पोस्ट यहाँ पर दिखाई गई है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, तो इसमें भी जो है डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। 5 पोस्ट यहाँ पर दिखाई गई है जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर की, यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है इसकी 5 हैं, तो बीएससी आपकी होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर के द्वारा। ठीक है, और हिंदी संस्कृत यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो, 18 से 42 साल की आपकी एज होनी जरूरी है। तो अब देखिए 2 पोस्ट यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है, तो 3 साल का डिप्लोमा इसमें होना चाहिए या फिर आपकी बीटेक हुई होनी चाहिए। 5 पोस्ट जूनियर इंजीनियर सिविल की है यहाँ पर, ठीक है, इसका भी 3 साल का डिप्लोमा या फिर आपकी बीटेक हो। 1 पोस्ट यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल की है, ठीक है, तो इसके बाद देखिए और क्या कुछ यहाँ पर दिखाई गई है, 33 पोस्ट यहाँ पर दिखाई गई है जूनियर इंजीनियर सिविल की। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, 3 साल का डिप्लोमा वही या फिर बीटेक होनी चाहिए। 3 पोस्ट यहाँ पर जूनियर इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल की दिखाई गई है, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा या फिर बीटेक की। ठीक है, तो इसका पूरा नोटिस मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा जिसमें टोटल वैकेंसी बहुत सारी वैकेंसी दी गई है, कोई ये थोड़ी सी वैकेंसी नहीं है, बहुत सारी अलग अलग तरह की जो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। तो एक मैं इसका नोटिस दे दूंगा, नोटिस के लिए जो है यहाँ पर लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके जो है इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा आपने किस ट्रेड से जो डिप्लोमा किया या किस ट्रेड से जो आपने जो बीटेक वगैरह की है, तो आप उसके लिए यहाँ पर अच्छे से जो है देख पाएंगे। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको जो इसकी फीस वगैरह दिखा देता हूँ कि कितनी फीस है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कैटेगरी नंबर 1 से लेकर 35 तक यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है, यानी कि जो है 1 से 35 तरह की जो इसमें पोस्ट दिखाई गई है। तो जनरल जो कैंडिडेट है उनके जो मेल हैं उनको 150 रुपये और फीमेल को जो है 75 रुपये, SC BC या EWS जो है उनको 35 रुपये की फीस, जो मेल कैंडिडेट है और फीमेल को जो 18 रुपये की फीस। या तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर चालान कटवाना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक या IDBI बैंक से जो आप इनकी पेमेंट जो वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 10 नंबर जो आपको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया या फिर जो आपके एक्सपीरियंस है उन सब के मिलेंगे। तो हरियाणा जीके के जो आपको 25% की जो यहाँ पर वेटेज दी जाएगी और 75% की वेटेज जो है आपको यहाँ पर रीजनिंग मैथ साइंस या फिर हरियाणा जीके और सॉरी यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है फिर या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश इन सभी के लिए जो 75% की वेटेज आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो फॉर्म अपना जो भर लीजिएगा और जो मैंने जो डेट थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसी अपडेट या फिर इन भर्तियों से संबंधित आगे की अपडेट्स मैं आपको पहुँचाता रहूँ।